अगर आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं के जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो भारत बंद स्थिति रिपोर्ट आती है ना, उससे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आप लोग स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश पीसीएस, इनके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे। या सिविल सर्विस में आप लोग उठा के देख लीजिए, या और भी आपके स्टेट एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, हर परीक्षा में आपका एक दो क्वेश्चंस आता रहता है। तो आप लोग इस रिपोर्ट को जरूर कवर कर लीजिएगा, और इनसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना भी रहती है। और इस रिपोर्ट बताती है कि किस राज्य में कितना वन क्षेत्रफल है, क्या इस तरह के जो भी पॉइंट रहते हैं उन पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। एक बार आप लोग भारत को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये आपका पड़ोसी अफगानिस्तान है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि हाल ही में जो आपका केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए आपका जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं और याद रखना भी पड़ेगा आप लोगों को। अगर हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, 2021 में जो रिपोर्ट आई हुई है आपकी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है, वन और वृक्षों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को देता है। और इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, 2 साल कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा इससे पहले 2019 में ए रिपोर्ट जारी की गई थी, उससे पहले आपने देखा होगा 2017 में ए रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था, 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। तो यहां आप लोगों को यह भी याद रखना होगा कि ये सर्वेक्षण पहली बार कब जारी किया गया था, तो 1987 में किया गया था। अभी जो 2021 में जारी किया गया है कौन सा वा है, 17वां है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे आप लोग शॉर्ट में ISFRB कहते हैं, इसका उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। और आप देखिए कम से कम हम लोग वन क्षेत्रफल का या वृक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसके लिए कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, और भी जरूरी पॉइंट होते हैं तो उसके जानने के लिए काफी ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहते हैं। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें शामिल है अत्यधिक सघन वन, 70% से अधिक चंदवा घनत्व, और आप देखेंगे मध्यम सघन वन में 40 से 70%, और खुले वन में आप देखेंगे 10 से 40%। इसके वश चंदवा घनत्व 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगर हम लोग ISFR 2021 की विशेषताओं की बात करें इसमें, इस रिपोर्ट की, तो इसमें इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व क्षेत्र, जो टाइगर कॉरिडोर है और जो गिर के जंगल है जिसमें आप सभी जानते हैं कि एशियाई शेर आपको देखने को मिलेंगे, इनका भी आकलन, या आप कह सकते हैं कि इन्हें भी कवर किया गया है। 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15% वर्ग किलोमीटर, यानी कि आप देखेंगे 1% में 0.32% की वृद्धि हुई है। कब? 2011 से लेकर 2021 के बीच बात की जा रही है, यानी कि 10 साल की बात की जा रही है। तो जो बाघ गलियारे हैं इनका जो वन क्षेत्र है, तो इसमें आप देखेंगे 37.15% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, और इसे अगर आप लोग परसेंट में देखेंगे तो 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में आप देखेंगे 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, तो यानी कि इसे आप लोग परसेंट में देखेंगे तो 0.04% की कमी आई है। तो इन दोनों को आप लोग अलग अलग एक तरह से याद रखिएगा। 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वन आवरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों के वन आवरण क्षेत्र में कमी देखी गई है। इन 10 सालों में आप 2011 से 2021 के बीच अगर देखें तो 20 बाघ अभ्यारण्य तो ऐसे हैं,
जिनके वनावरण में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन 32 बाघ अभ्यारण्य ऐसे भी हैं जिनके वनावरण क्षेत्र में कमी देखी गई है। बक्सा, आप सभी जानते हैं बक्सा जो बाघ अभ्यारण्य है ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अनामलाई ये आपको तमिलनाडु में, इंद्रावती रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में, इनके वन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। जबकि कवल ये तेलंगाना में, भद्रा आपका कर्नाटक में, सुंदरबन रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में देखेंगे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व है ना, इसमें सबसे ज्यादा वन आवरण आपको देखने को मिलेगा, 97%, कितना 97%, ठीक है। और रिपोर्ट के निष्कर्ष में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो पिछले दो वर्षों यानी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच की बात हो रही है, दो वर्षों में 1540 यानी कि 1540 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है, यानी कि बढ़ोतरी जारी है, अच्छी बात है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 71% आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना ये आप लोगों को क्षेत्रफल याद रखना है कि भारत का वन क्षेत्र अब कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें तो 21.71 वर्ग किलोमीटर, जो आप देखेंगे 2019 के 21.67% से अधिक देखने को आप लोग मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 0.04% की वृद्धि देखी गई है। और वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि पेड़ों में के आवरण में बढ़ोतरी देखी गई है। वनों में वृद्धि या हम लोग कमी की अगर बात करी जाए तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना आप लोग फिर उसके बाद देखेंगे, तेलंगाना में आप लोग देखेंगे 3.07%, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे 2.22% और उड़ीसा में आप देखेंगे 1.04%। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में कौन कौन शामिल है, पहले पर आपका तेलंगाना और दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे से पर है आपका उड़ीसा। तो एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए, यहां आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पहले पर आपका तेलंगाना है, ये आप लोग जरूर याद रखिए, पहले नंबर पर पूछा जा सकता है। और अगर हम लोग वनावरण में सबसे अधिक कमी की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्य हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है और मिजोरम है और आपका नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आपका ये है आपका जो चाइना से लगता है आपका, इसकी सीमा आप देखते होंगे आपकी म्यांमार से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, यही आप मणिपुर आपका, ठीक है, ये मेघालय आपका, इन्हीं की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि की अगर बात आए तो तेलंगाना में, और सबसे कमी की अगर बात आए तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। अगर हम लोग इसमें और भी बात करें उच्चतम वन क्षेत्र या आच्छादन वाले राज्यों की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे वन क्षेत्र है। इसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, महाराष्ट्र। तो एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को भी देख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, इसे आप लोग हृदय प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, इसकी राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं, इसमें मिजोरम आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा और मेघालय देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा, नागालैंड। यह एक आप लोग बात क्लियर याद रखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है, और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका मिजोरम टॉप पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश मिजोरम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनसे क्वेश्चन कई बार आपका कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। और इसमें अगर हम और बात करें तो शब्द वन क्षेत्र सरकारी आंकड़ों के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। वन क्षेत्र मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो भूमि की कानूनी स्थिति है, और वन आवरण करने का मतलब है कि पूरी क्षेत्र पर आपकी जितनी भी भूमि पर पेड़ है उनकी उपस्थिति को बात करता है। आप लोगों ने मैंग्रोव वन के बारे में भी सुना होगा, सुने हो या नहीं सुने हो,
तो मैंगो वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, यानी कि पिछले पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में मैंगो वनों में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कितना? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंगो आवरण अब 4,992 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक, कितना? 4,992 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब जंगल में आग लगने की आशंका की अगर बात करें, आशंका क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में कई जगह आग भी लगती रहती है, प्राकृतिक कारणों से भी आग उत्पन्न हो जाती है, मानव जनित कारण भी कई होते हैं जिससे आग लगती है, और आप लोग आए दिन सुनते भी रहते होंगे कि यहाँ की जंगलों में आग लगी हुई है। तो आप देखेंगे इसमें 35.46, कितना? 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है, और इसमें आप देखेंगे 2.81% अत्यंत अग्नि प्रवण है और 7.85% अति उच्च अग्नि प्रवण है, और आप देखेंगे 11.51% उच्च अग्नि प्रवण क्षेत्र है। वर्ष 2030 तक भारत में आप देखेंगे 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। कितने? 45 से लेकर आप देखेंगे 54% वन क्षेत्र की बात हो रही है। सभी राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉट हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख, आप सभी जानते हैं कि लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था, तो यहाँ आप देखेंगे वनावरण 0.1 से लेकर 0.2 के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। और कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें आप देखेंगे वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है। तो ये भी अच्छी बात है, आप सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में पेड़ होंगे तो आप लोग अगर कार्बन उत्पन्न करते हैं तो उसे सोखने का काम करता है। आप लोग कहते हैं ना कि हमारे दो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों का एक हिस्सा हमारे का शरीर में देखने को मिलेगा, दूसरे हमारे पेड़ हैं। हम लोग, आपने देखा होगा, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सार कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कौन उपयोग करता है? आपके पेड़ करते हैं, पेड़ वो आपको ऑक्सीजन बदलते हैं, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वन कार्बन स्टॉक का आशय होता है कार्बन की ऐसी मात्रा जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर कुछ हद तक लकड़ी और अवशिष्ट में भी होता है। बांस के वन क्षेत्र की बात करें, आप लोगों ने बांस देखा भी होगा, तो 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में आपका 53,336 मिलियन हो गई। तो इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ चिंताएं भी हैं तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्या क्या चिंताएं हैं? प्राकृतिक वनों में गिरावट, मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में आप देखेंगे तो ये 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है, 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में आप देखेंगे 2,621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। और बहुत घने जंगलों में आप देखेंगे 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इस रिपोर्ट में ये ही बताया जा रहा है। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण की बात करें हम लोग, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र ये कहलाते हैं आपके, ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1,020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है और पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.98% हिस्सा है, लेकिन कुल वन क्षेत्र का आप देखेंगे 23.75% हिस्सा देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन या फिर भारी बारिश के साथ साथ मानव जनित गतिविधियों जैसे कृषि को स्थानांतरित करना, यानी कि वनों को हटाकर आप जो कृषि करने लगते हैं उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विकासात्मक गतिविधियों का दबाव, पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराना, इन्हीं ऐसे काम होंगे तो आप सभी जानते हैं कि वनों में कमी भी देखी जाएगी। सरकार के द्वारा कुछ पहल भी की जाती हैं, आप सभी जानते हैं, तो हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन ये भी चलाया गया था 2014 में, आप लोगों ने देखा होगा।
यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु में परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन, पानी एवं आजीविका पर वनिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसे निम्नलिखित वन भूमि के वनीकरण के लिए 2000 में लागू किया गया था और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। फिर आप देखेंगे क्षतिपूरक वनीकरण शोध प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाया जाता है। इन सभी योजनाओं को भी याद रखिएगा, कभी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं मुख्य परीक्षा में या निबंध लिखते हैं तो वहाँ इन जो भी आपकी पहले हैं सरकार की, जो भी मिशन है, जो भी योजनाएं हैं, इन्हें आप लोग वहाँ उल्लेख कर सकते हैं। और क्या होता है कि कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये योजना किससे संबंधित है, इसे पहली बार कहाँ लागू किया गया था, किस सन में लागू किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई। एक आपका नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे 2000 आप देखेंगे एक में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, यह केंद्र द्वारा वित्त पोषित एकमात्र कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्य की सहायता के लिए समर्पित है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यही कहानी है आपके जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, इसमें जो भी पॉइंट आपके हैं उनका एक नोट्स बना के रख लीजिए, 2 साल के लिए काम आएगा। और याद रखिए इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इसमें कोई आप लोगों को दोहराव नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको मालूम ही चल जाएगा कि क्वेश्चंस हकीकत में पूछे जाते हैं। UPPCS में हर बार आते हैं क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, कहाँ जाने वाले हैं।